फाइनलील्प्रेप एक्स एंड आई कांट इवन टेल यू कितना सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ इस प्लेटफॉर्म पर होने क्या वाला है एंड भाई दिस इज नॉट जस्टीएसए प्रोग्राम और डी एस ए प्लेटफॉर्म एनीथिंग लाइक दैट इट्स एक्सपीरियंस एंड इट इज गोइंग टू बी ऑर एक्स फैक्टर इन कॉलेज इट्स एवरीथिंग द कोर थिंग्समेयर इंजीनियर एंड सब कुछ ऐसे स्टार्ट करते हैं अच्छे से बताता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज है मेरे को ये जानना है कि अभी तुम कौन से ईयर में हो इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर ड्रॉप ले रखा है कौन से ईयर में ग्रेजुएट होने वाले हो हो रखे कुछ भी डिटेल्स से कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो एंड डिड यू लाइक द प्लेटफॉर्म नॉट पूरी वीडियो देखने के बाद जरूर बताना अब वीडियो अपनी जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं तुमने तो बेसिक एक डेमो टाइप्स तो भी देख लिया होगा इसके बाद अब आ जाते हैं हम पहले सबसे पहले तुम्हें सारे फीचर्स बताता हूँ कि तुम्हें एक्जैक्टली मिल क्या रहा होगा एंड उसके बाद फिर आगे चीजों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे डीएसए प्रेप मिल रहा होगा इफ यू नो इफ़ यू नो अबाउट आलगू प्रेप डी एस ए प्रेप इज द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टार्टेड यहाँ पे हम बेसिकली डीएसए तुम्हें एंड टू एंड करा देते हैं इफ़ यू डोंट नो एनी लैंग्वेज नो वरीज इफ यू हैव नेवर कोडेड अगल वर्ड नो वरीज बिल्कुल स्क्रैच से लेके एक्सपर्ट लेवल तक सारी चीजें तुम्हें सिखाई जाती है तो वही डीएसए प्रैप इसमें तुम्हें ऐड मिल जाता है क्या क्या है इसमें टॉपिक्स पढ़ाने वाले क्या चीजें होती है बता देता हूँ दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है फाउंडेशन एंड लेवल अप फाउंडेशन में बेसिकली बेसिक्स ऑफ जावा से लेकर फिर तुम्हें सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एक बार करा दिए जाते हैं ये इसलिए कराते हैं बिकॉज इफ समन इज अपलाइंग फॉर अ फ्रंट एंड रोल इफ समन इज अपलाइंग फॉर अ डेटा इंजीनियरिंग रोल डेटा साइंस रोल तो उसमें बहुत ज्यादा इनडेप डीएसए नहीं पूछा जाता है अगर तुमने सोच लिया कि मेरे को स्पेशलाइज्ड फील्ड में ही एक इंजीनियर बनना है एंड्रॉइड इंजीनियर बनना है आईओ इंजीनियर बनना है तो यू नीड टू नो डेटा स्ट्रक्चर एंड एंड तुम्हें लेवलअप करना है बाद में बट इंटरव्यूज़ के लिए इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा इसलिए दो पार्ट्स में डिवाइडेड है कि तुम्हें पता हो कि ग्राफ्स क्या है, है, है तुम्हें पता है की ट्रीज़ क्या है तुम्हें पता हो हैश मैप्स क्या है तुम्हें पता है प्रायोरिटी क्यूज़ क्या है एंड तुम उसके बाद इन सब चीज़ों को एक्चुअली इंप्लीमेंट कर पाओ तो पहले फाउंडेशन होता है हमारा ठीक है फाउंडेशन में सारे टॉपिक्स तुम्हारे एक बार कवर हो जाते हैं देन आ जाते हैं लेवल अप पे इसमें तुम्हें तो क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे थे, तुम 150 के फिफ्टी क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हो एंड मीडियम लेवल क्वेश्चंस तक तुम सॉल्व कर पाते हो इन सब डेटा स्ट्रक्चर्स के अब लेवल अप में क्या होता है लेवल अप में हम फिर से सारी चीजें सिखाते हैं और थोड़ी इन डेप्थ ले जाते हैं और हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं और हार्ड क्वेश्चन तुम कर रहे होते हो तो इसमें भी एरे स्ट्रिंग्स बिट सॉर्टिंग टू पॉइंटर्स बैक ट्रैकिंग मैप प्रायोरिटी क्यू क्यू लिंक लिस्ट फिर बाइनरी सर्च ट्री ट्राई डी ग्राफ स्लाइडिंग विंडो सब चीजें तुम्हें सिखाई जाती हैं एरेज के अंदर भी और मल्टीपल चीजें हैं टू पॉइंटर वाला पूरी अप्रोच तुम्हें सिखाई जाती है जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं जितने भी अप्रोचेज हैं जो तुम्हें चाहिए होते हैं सारे कराए जाते हैं एंड इसमें तुम्हें 400 प्लस टोटल क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर लेते हो तो दिस दिस इज़ इज़ द फर्स्ट पार्ट नेक्स्ट आ जाते रिसेंटली स्टार्ट किया था सो so उसमें वी तो का सारा कॉन्टेंट मिल जाएगा विद प्रसन्स उसके बारे में आगे बात करेंगे ये और एडब्लू एस वाला जो एडिशनल कॉन्टेंट है धीरे धीरे ऐड होता रहेगा एंड यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग इफ इवन इफ यू एड कोर्स टू द यू विल गेट एक्सेस टू इट हमने आगे और प्लान करे हुए कुछ कोर्सेज उनके बारे में भी बताता हूँ वो भी प्लेटफॉर्म होते होते जाएंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फीस और एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो तुम अभी पे करोगे उसी में और तुम्हारे कोर्सेज भी ऐड होते रहेंगे तो फ्रंट एंड में तुम्हें बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाता है सेम की एस टीमएल सी एस एस गिट क्या होता है टर्मिनल कैसे यूज करते हैं फिर जावा स्क्रिप्ट क्या होता है ब्राउजर क्या होता है उसके बाद थोड़ा एडवांस टॉपिक्स इंटरमीडिएट एडवांस पे जाते हैं कि रिएक्ट क्या होता है रिएक्ट सिखाते है, पे तुम्हें हैं रियाक्ट में तुम प्रोजेक्ट्स बिल्ड करवाते हैं तुम्हारे मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं माइनर प्रोजेक्ट्स होते हैं मेजर प्रोजेक्ट्स में तुम बेसिकली एक मीडिया प्लेयर बना रहे होते हो डेस्कटॉप टॉप पर जब तुम एस टी एस एस डॉस्क्रप्ट सी लो तुम ये बना रहे होते हो फिर तुम एक चार्ट एप्लीकेशन बना रहे होते हो फायरबे के साथ यू कैन से इट यू कैन कॉल इट अ व्हाट्सअप क्लोन बट तुम फायर के साथ एक चार्ट एप्लीकेशन बना रहे हो तो विद द हेल्प ऑफ रियाक्ट एंड फाइनली स्ट्रीम सर्विस बना रहे होते हो उसका क्लोन बना रहे होते हो कि स्ट्रीमिंग सर्विस कैसे बनती है फिर ऑन टॉप ऑफ इट यू कैन बिल्ड योर ओन प्रोजेक्ट्स एंड फाइनली माइनर प्रोजेक्ट्स में तुम अपने पोर्टफोलियो बनाते हो वेदर एप्लीकेशन बनाते हो टू डू लिस्ट बनाते हो शॉपिंग कार्ड बनाते हो सारी चीजें बना रहे होते हो तो आप हम सारी रिएक्ट की चीजें करा देते हैं और जो तुम जनरली देखते हो कि आजकल चल रही है फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा पापुलर रखा है वो भी सिखाया जाता है तुम्हें टेलमेंट सी बहुत ज्यादा पॉपुलर है से सिखाया जाता है उसके अलावा तुम्हें शार्ट सीन यू आई वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो भी सिखाया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं भाई जो जो तुम्हें करना है ना सारी चीज़ें तुम्हें सिखा दी जाती हैं यहाँ पे एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ अगर तुम फ्रंट एंड इंटरव्यूज़ के लिए प्रैक्टिस करो तो फ्रंट एंड के लिए मशीन कोडिंग राउंड या एल जो तुम्हें चाहिए होता है वो भी कराया जाता है दिस इज डेप्रेप इसके बाद में नोट जी एस एक्सप्रेस मॉन्डी पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे करनी होती है पोस्टमेंट की टेस्टिंग कैसे करनी होती है ऑथेंटिकेशन वीडियो स्ट्रीमिंग सिक्योरिटी सारी चीजें एंड डेवस भी होता है सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एल्कोप्रेप एक्स नेक्स्ट आ जाते हैं सीएसप्रेपे भाई ये तो चलो हो गया तुम्हारा मेन अब कोर सब्जेक्ट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेन ऑर बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर तुमसे इंटरव्यूज में तो पूछा जाएगा इन डे टू डे लाइफ में डे टू डे के काम में भी तुम्हें काफी ज्यादा यूजफुल होगा तो डीबीएमएस के सारे टॉपिक्स ओएस के एंड कंप्यूटर नेटवर्कस के जो तुम्हें इंटरव्यूज में चाहिए जनरली चाहिए होते हैं पूरा जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है वो नहीं प्रिसाइज टू द पॉइंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी पढ़ाई जाती है तुम बाकी चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हो कुछ भी अगर मिसिंग है तुम हमेशा मैं बता सकते हो मेल कर सकते हो एंड वी विल एड थिंग्स टू दिस कोई इशू नहीं है कुछ कम लग रहा है बता दो ऐड कर देंगे नेक्स्ट आ जाते हैं एलएलडी प्रेप प्रैप अब जैसे इंटरव्यू प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं लोग कंपनीज ने एलएलडी भी पूछना शुरू कर दिया सो so वी यार इफ यू आर मेकिंग समथिंग फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स अगर वो नेक्स्ट तीन साल चार साल तक इसको यूज करेगा तो उसके पास ये इन सब का भी एक्सेस होना चाहिए तो हमने ऐड कर दिया भाई इसमें तुम्हें बेसिक ऊप् कॉन्सेप्ट इसमें तुम्हें बेसिक ऊपस कॉन्सेप्ट से लेके सॉलिड प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं फिर सारे डिज़ाइन पैटर्न जो मोस्टली मेजरली यूज होते हैं वो कराए जाते हैं फिर तुम्हें डिजाइन प्रॉब्लम्स भी कराई जाती हैं तो तुम्हारा एल प्रेप हो गया एंड इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और हमने ऐड कर दिया करेंटली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज गेटिंग अ गुड ट्रैक्शन लोगों को आता नहीं है अच्छे से करना तो एक हमारे इंस्ट्रक्टर हैं जर्मनी में काम कर रहे हैं उनका काम इज रिलेटेड टू ए तो ही वॉज द बेस्ट पर्सन टू टीच उनके बारे में सारी डिटेल्स मैं पे डाल आप डालूंगा गिन चेकआउट तो तुम्हें सारी चीजें ये सिखाई जाती हैं जो बेसिक एक बच्चे को चाहिए होंगी टू लेवरेज ए आई ठीक है इंट्रोडक्शन टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग चार जी पी टाइप्स ऑफ प्रॉम्स फिर डिजाइन इफेक्टिव प्रॉम्स कैसे तुम कर सकते हो फिर एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज ऑफ यूज केसेस ऑफ चार जी पी टी वर्किंग विद चार जीपी टी रिस्पॉन्स एंड डिफरेंट ए आई मॉडल्स के बारे में तुम्हें बताया जाएगा ठीक है ये भी इसमें ही आडेड है यू कैन डेफिनेटली यूज दिस अब टोटल कंटेंट डिटेल्स अगर मैं देखूं तो तुम यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ सकते हो डीएसए प्रेप में टोटल 180 घंटे से ज़्यादा कंटेंट है फाउंडेशन में भी आ, सारे का टॉपिक्स कवर हो रखे हैं हार्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए प्लेटफॉर्म के अंदर ही तुम्हें मिल जाती है डी प्रेप में भी सौ घंटे से ज़्यादा कॉन्टेंट है फ्रंट एंड बैक एंड डेवअप्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड तुम्हें हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट भी कराए जाते हैं इसके साथ एल प्रेप में भी तुम देख सकते हो इंपॉर्टेंट सारी चीज तुम्हारी yeah, हो जाती है सी प्रेप में सारी चीज़ हो जाती है ए प्रेप में भी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो भाई ये हमारा हो गया कॉन्टेंट का डिस्कशन अब रिव्यू डिटेल्स अब देखो भाई अब मैं तुम्हें नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ इंपॉर्टेंट तो नेक्स्ट चीज़ है भाई अब तुम यहाँ पे जाओगे ना आलगोप्रेप की वेबसाइट पे आलगोप्रेप डॉट एन एट डॉट ए आई अगर तुम जाते हो तो एक तो तुम्हें आलगोप्रेप का मिल जाएगा इसके अभी ऊपर हम जाते हैं हम यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स ऐड कर रहे हैं यहाँ पे हमारे करंट स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं और तुम देख सकते हो सारे रिव्यूज़ यहाँ पे इसमें कुछ ऐसा नहीं किया गया गंदे रिव्यूज़ हटा दिए अच्छे रिव्यूज ही रखे हैं सारे जितने भी रिव्यूज़ थे वो सब के सब इसमें ऐड कर दिए गए हैं शीट का लिंक तुम्हें चाहिए तो मिल जाएगा इसमें मोस्ट ऑफ देम वर नाइन एंड टेन तुम खुद देख सकते हो स्क्रीन पर ज़्यादातर रिव्यूज नाइन एंड टेन थे तुम पढ़ के देखना इन पे सब पे यही लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्टर्स बहुत बढ़िया हैं सब कुछ बहुत बढ़िया है इसके अलावा लिंकडिन पर बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया है इफ़ यू जस्ट गो टू लिंकिन पे जाओगे बस सर्च कर लेना आलगो पर ठीक है अलग्रब सर्च करने के बाद उसमें फिल्टर डाल लेना थोड़ा सा पोस्ट पे एंड इसके साथ साथ लेटेस्ट जो तुम्हारे होंगे एंड यू विल सी रिव्यूज़ फ्रॉम स्टूडेंट्स यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे रिव्यूज़ मिल जाएंगे सब जेनुन रिव्यूज़ हैं किसी को ऐसे पैसे दे, दे नहीं रखे हैं सब स्टूडेंट्स हैं तुम इनमें से किसी को भी कमेंट कर सकते हो और इवन इफ़ यू गो टू द टेस्टमोरियल वाला सेक्शन वेबसाइट पे तो तुम किसी भी अगर लिंग प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो लिंग प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और तुम उसको डेफिनेटली जाकर चेकआउट कर सकते हो उनसे बात बात कर सकते हो रिव्यूज दे सकते हो जो तुम्हारा दिल करे वो तुम कर सकते हो ठीक है तो रिव्यूज वाला यहाँ पे तुम्हारा सॉर्टेड हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आराम से रिव्यूज दो आराम से पढ़ो मजे ही मजे नेक्स्ट अब आ जाते हैं प्लेटफॉर्म पे एलगोप्रैप डॉट इन पर लॉग इन कर लोगे एलगोप्रैप एक्स पे क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगी सारी डिटेल्स मोड ऑफ दिस कोर्स क्या है क्या चीज़ें होने वाली है क्या क्या है तो डेव प्रेप मिलता है डीएसए प्रेप मिलता है लो लेवल डिजाइन मिलता है सीएस प्रेप मिलता है एआई प्रेप मिलता है इसके अलावा कोई भी नए कोर्सेज है अभी हम एक कोर्स सीपी के रिलेटेड प्लान कर रहे हैं उसको हम ऐड करेंगे बैक एंड डेवलपमेंट का तो ऐड होगा ही एंड और भी कुछ ऐड होता है तो सब यहाँ पे ऐड होता जाएगा ठीक है तो दिस इज द बेसिक डिटेल्स तुम तो यहाँ पे कंपेरिजन देख सकते हो अब हम चलते हैं हमारी जब तो तुम खरीद लोगे तो क्या होगा वेन यू बाय वेन यू परचेज द कोर्स यू विल हैव टू गो टू एक्स डॉट एल्कोप्रेप डॉट इन तो यू विल गेट दिस इन सब कोर्सेज का एक्सेस तो विल गेट ए आई प्रेप सी एस प्रेप डी एस एप फाउंडेशन लेवलअप लो लेवल डिजाइन एंड प्रेप फ्रंट एंड अभी फ्रंट एंड है इसके बाद बैक एंड भी ऐड हो जाएगा जल्दी तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है अब हम एक एक करके पूरा प्लेटफॉर्म चेकआउट करते हैं डीएसए प्रेप फाउंडेशन पर तुम जाओगे तुम्हारी लेफ्ट साइड पर सारी वीडियोज़ आ जाएंगी ठीक है ए टू जेड जितनी सारी वीडियोज़ हैं बाइट साइज हमने कट कर रखी हैं सब हमने छोटा कर दिया है फालतू की जरूरत की बातें नहीं है वीडियो देख सकते हो ठीक है वीडियो देखने के बाद तुम साइड में इसके नोट्स हैं यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो अगर तुम्हें नोट्स खुद के लिखने तो बहुत बढ़िया है न? खुद के लिखने में तुम्हें आलस आता है तो से डाउनलोड कर सकते हो एंड उसके बाद यहां पे ही तुम्हें प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा फाउंडेशन में बेसिकली दो टाइप के होते हैं पहले तुम्हें एक लेक्चर के बाद क्वेश्चन मिल रहा होगा तो बेसिकली हम फाउंडेशन इज द बिल्डिंग ब्लॉक राइट तुम अगर बिल्डिंग ब्लॉक तुम्हारी जो नीव है वो मजबूत होगी उसके बाद तुम कुछ भी कर पाओगे तो फाउंडेशन में जनरली हमने क्वेश्चन पहले तुम्हें एक्सप्लेन किया हुआ है अप्रोच अप्रोच के बाद क्वेश्चन दिया हुआ है जो तुम्हें खुद कोड करना होगा अगर तुम ऐसे नीचे जाओगे तो हम क्या करते हैं बिट मैनिपलेशन का ही खोल लेते हैं तो हमने यहाँ पे बिट बिट इवन इज इवन का क्वेश्चन डाला हुआ है तो नंबर इज इवन और ऑड पहले समझा दिया तो मैं कैसे करना है तुम यहाँ पे जाओगे इस पर क्लिक करोगे तुम्हारा यहीं पे कोड एडिटर खुल जाएगा तुम्हें यहीं पर अपना कोड करना है ठीक है तुम यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया गया है कि टेक एन इनपुट एज एन ये वो ये वो ये वो तुम सारी चीजें देखोगे उसके बाद तुम अपना यहाँ पे कोड डाल रहे होगे कोड डालोगे तुम सारे टेस्ट केसेस यहीं रन करोगे और तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा अगर तुम सही करोगे तो सारे आउट सारे जो तुम्हारे टेस्ट केसेस वो रन हो जाएंगे कुछ टेस्ट केसेस तुम यहाँ किया, है, कि नहीं किया है।, और सब यहीं पे है इसके बाद आता है होमवर्क वाला पार्ट काफी सारे क्वेश्चन में होमवर्क होगा तो होमवर्क के साथ ही तुम्हें का सॉल्यूशन मिल जाएगा होमवर्क सोल्व करो अगर नहीं होता है तो उसके बाद वीडियो देख सकते हो एंड वीडियो देख के तुम अपना मस्त ठीक है तो तो हमारा हो गया

बस डी एस ए की प्रॉब्लम कर सकते हो डी कर लिया हो गया डी कर लिया हो गया बट यू विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस डेवलपमेंट इतना ज्यादा तो हमने यहाँ पे वो भी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व करी हुई है तुम डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स कोई नई चीज सीखोगे एस टी एम एल एल सी एस एस सीखा एस टी एम एल सी एस एस से कुछ तुम्हें चेंज करना है फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक कोड है ये तुम्हारा रिलेटेड टू एस टी एम एल एस टी एम एल में कुछ कुछ समय चेंज करके इसको ठीक करना है तो यहाँ पे पूरा कोड ऐड कर सकते हो जावा स्क्रिप्ट तुमने पढ़ा तो जावा स्क्रिप्ट के बाद डॉम मैनिपुलेशन का कोई कोर्स क्वेश्चन आएगा तुमने वो डॉम मैनिपुलेशन का क्वेश्चन ऐड किया हुआ है तुमने सीख लिया कैसे करना है यहां पे आओ लाभ पे ट्राई करो एंड सॉर्टेड तुम्हें यहां पे सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे सब मिल जाएगा तुम इसको सबमिट करोगे टेस्ट केसेस रन करोगे एंड बल्ले बल्ले और, और चैलेंजेस तुम्हें यहां पे दिख जाएंगे तुम्हें क्या क्या चैलेंजेस मिले हुए हैं ये तुमने इंप्लीमेंट किया और ये सही हुआ और नहीं हुआ तो फिर यहां पे डाउनलोड सॉल्यूशन का ऑप्शन है तुम डाउनलोड कर सकते हो सोल्यूशन गॉट इट तो यहाँ पे तुम्हें सिमिलरली और कोर्सेज़ में मिल जाते हैं सी एस प्रेप में जाओगे तो सी एस प्रेप के में तुम्हें वीडियोज़ मिल जाएंगी ओ एस जी बी में सूप्स की अगर तुम आ, इसके बाद एल एल डी प्रेप में जाओगे तो एल एल डी प्रेप में तुम्हें सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी सब कुछ तुम्हें कॉन्टेंट फुल पावर मिलेगा इसके अलावा तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सारी चीज़ें तुम्हारी यहीं हो जाएंगी एंड कुछ नो फ्लफ फ्लफ वाली चीज़ें हैं इसके साथ साथ प्रॉक्टर टेस्ट भी तुम्हारे करवा दिए जाएंगे प्रॉक्टेड टेस्ट भी यहाँ पे होंगे उसके वीडियो तुम स्क्रीन पे देख सकते हो इस टाइप का होने वाला होगा मोस्टली सब चीज़ें कंप्लीट कम, हो चुकी हैं जब तक तुम फाउंडेशन में 50% परसेंट सिक्सटी परसेंट पहुँचोगे या फिर डेव प्रेप में कुछ पहुँचोगे तब तक हम प्रॉक्टर्ड वाला तुम्हारे लिए ऐड कर देंगे एंड मैं काफी बार बता चुका हूँ कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द होल प्लेटफॉर्म एलगोप्रैप एक्सपे बहुत सारी चीज़ें और आती रहेंगी एंड एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद तुम उसको मल्टीपल टाइम्स मतलब कोई भी नई चीज़ आएगी उसमें ऐड हो जाएगी तो उसको एक्सेस कर सकते हो अलग से उसका कुछ पे करने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी कुल cool. तुमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली प्लेटफॉर्म यूज़ कैसे करना है कोर्सेज में क्या क्या होने वाला है प्लेटफॉर्म पे क्या होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे पता है जिसका तुम्हें इंतजार है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ प्राइज इससे पहले इंस्ट्रक्टर कौन पढ़ा रहे होंगे यार तो आलगोप्रेपे आई डोंट टीच मैं बहुत बारी बता चुका हूँ आई एम हेयर टू बंटर यू हेल्प यू गाइड यू एंड मैं वही करता हूँ जो टीचर्स हैं वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन्होंने छः uh, सात साल पढ़ा लिया है दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है उनके पास उन्होंने अराउंड पाँच हज़ार सात हज़ार स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है कुछ कुछ केसिस में दस हज़ार स्टूडेंट्स को भी पढ़ा दिया है एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग एट मल्टीपल बिग एम जिनका तो मैं नाम लोग सब वहाँ पर पढ़ रहे हैं एंड किसी से भी जाकर पूछोगे ना उनका नाम तुम्हें तो पता होगा अब जसवीर भैया हो गए सुबेश हो गए इसके अलावा अभिषेक वो एच लेते हैं इस वाले प्लेटफॉर्म पर मैं एच का नहीं डाला हुआ है दिस इज़ फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स अभी अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी जरूर ऐड कर सकते हैं ठीक है तो अब हम फाइनली आ जाते हैं प्राइसिंग पे तो बेसिकली तीन मॉडल्स हैं बेसिकली आप, आप, आपको तीन ऑफरिंग्स मिल जाते हैं एक साल की दो साल की या चार साल की एक साल की जो अभी है वो थर्टी फोर थ्री फोर डबल नाइन है ज्यादा लग रही होगी तो कोई नहीं अभी बताता हूँ जो दो साल के तुम ले रहे हो गई फाइव फोर डबल नाइन प्लस टैक्सेस है इन सब प्लस प्लस टैक्सेस होने वाले हैं एंड फोर्थ ईयर की जो वो एट फोर डबल नाइन प्लस टैक्सेस है ठीक है तो अब ये तुम्हें ज्यादा लग रही होगी तो बस कुछ नहीं करना तुम्हें अर्ली बर्ड कूपन कोड अप्लाई करना है मोस्टली पॉपुलर दो साल का होगा बिकॉज अगर तुम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो प्लेसमेंट के टाइम में तुम्हें रिविजन के लिए चाहिए होंगी और एक साल में इतना सारा कॉन्टेंट शायद कंज्यूम भी ना कर पाओ तो एक साल की ऑफरिंग है इफ यू वांट बट आई वुड रिकमेंड टू या फोर इयर्स डिपेंडिंग ऑन तुम कौन से ईयर में हो चार साल के लोगे तो भी बहुत बढ़िया है अगर तुम इनरोल में पर क्लिक करते हो तो चेकआउट पेज पे जाओगे एंड बस तुम्हें कुछ नहीं करना यहाँ पे एक कूपन कोड ऐड कर देना एंड अप्लाई कर देना एंड जो तुम्हारा कोर्स प्राइस होगा वो कम हो जाएगा सो अंडर थ्री थाउजेंड रुपीज़ फिर विद वन ईयर ऑफ एक्सेस इन बिल्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर कोडिंग सारे कोर्सेज ओ एस डी बी एम एस ऊप्स कंप्यूटर नेटवर्क इसके अंदर बैकहेंड भी ऐड होगा अभी फ्रंट एंड भी है सारी चीज़ें तुम्हें स्टार्टिंग एट टू नाइन फाइव टू मिल रही होंगी जो अर्ली बर्ड ऑफर है इट इज ओनली वैलिड फॉर नेक्स्ट फाइव डेज थ्री करके फाइव करके कोई फायदा नहीं ओनली फाइव डेज एंड लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट फाइव हंड्रेड स्टूडेंट जो इसको लेंगे उसके बाद ये अर्ली बर्ड ऑफर हट जाएगा एक और डाउट आप लोगों के दिमाग में पक्का होगा कि हाउ इज एल्गोप्रेप एक्स डिफरेंट फ्रॉम एल्गोप्रेप सो एल्गोप्रेप एक्स इज अब पार्ट ऑफ एल्गोप्रेप यहाँ पे आप लोगों को सेल्फ पेज कोर्सेज मिल जाते हैं सेल्फ पेस्ड लर्निंग ये बंडल है पूरा तुम पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस ले सकते हो

तुम्हें सब कुछ मिल गया कम्युनिटी मिल गई क्वेश्चंस मिल गया प्रैक्टिस कहाँ करना सब कुछ मिल गया एट अ वेरी 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 अफोर्डेबल प्राइस चार साल के लिए तुम्हें साढ़े सात हजार रुपये में मिल रहा होगा एंड साढ़े सत डिवाइड बाई फोर करोगे तो विल अंडरस्टैंड एंड अगर इसको बाई डेज कर दोगे तो भाई जो मैं बोल रहा था ना मैंने पोस्ट पोस्ट में समोसा डाला था सो so जनरली समोसा सात से दस रुपये का आता है एंड इफ यू विल डिवाइड दिस यू विल गेट दैट सात से दस रुपये पर डे के हिसाब से तुम्हें इतने सारे कोर्सेज मिल रहे होंगे जल्दी से देरी मत करो यार जाओ जल्दी से अल, अर्ली बर्ड कूपन कोड यूज करो एंड परचेज कर लो यू विल गेट अ मेल आफ्टर दिस एलगोप्रेप की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें बता सकते हो एंड वी विल हेल्प यू आउट विद डट यू कैन मेल मीट निशांत एट द रेट एलगोप्रप्ट डॉट इन एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी सारी जो तुम्हें डिटेल्स हैं प्लेटफॉर्म पसंद आया होगा प्लेटफॉर्म पसंद आया वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि कौन सा ये प्लान लेने का तुम सोच रहे हो एंड कौन से कॉलेज से हो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए